चलिए, लाइफ में सबसे, मैंने आपसे कहा ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को मोटिवेटेड रखना और अपने लक्ष्य पर बड़ा बड़ा, देखो एक होता है छोटा दृष्टिकोण, एक होता है छोटा नजरिया होता है कि बस हमको अभी पढ़ना अभी करना, एक होता है कि आई एम गोइंग टू बिकम द टॉप मोस्ट डॉक्टर ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का मैं सबसे टॉप डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू बिकम वन डे, एक दिन ऐसा होगा कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर में शुमार हूँ। मैं गांव के एक बच्चे की बात बता रहा हूँ आपको कि मैं जब विदिशा में, जब मैं MBBS में था तो कुछ बच्चे मुझसे आते थे गाइडेंस लेने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उस समय की बात है, वो मैंने आपको बताया था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं मेडिकल में सेलेक्ट होता था मेरी बहुत ज़बरदस्त रैंक थी उस समय, तो कुछ बच्चे मेरे पास आया करते थे संडे टू संडे के, नॉन कमर्शियल था पूरा वो। तो चिरोड़िया गाँव से एक बच्चा आता था, मैं उससे पूछता था कि बताओ बेटा तुम, भैया बोला भैया, मैंने कहा उसका नाम लेके बोलता था मैं उसका, अब यहाँ नाम नहीं लूंगा, बड़ा डॉक्टर है बहुत वो, तो पूछता था कि तुम क्या कर बनोगे। ऐसी पहली क्लास थी, 10-12 बच्चे बैठे थे, कि आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। सब ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे निकलना है, मेरे पापा डॉक्टर है, उन्होंने मम्मी कहा, समाज में सेवा कहा। उसने क्या बोला, बोला सर मेरा ड्रीम है कि मैं आई वॉन्ट टू बिकम ए वेरी गुड प्लास्टिक सर्जन। मैंने बोला क्यों, मेरी माँ जो है वो एक दिन जो है वो चूल्हे पे काम करते करते कुछ लग गया था उनको, तो वो जल गई थी, तो उनके हाथ में है ना खूब सारा, उनके हाथ में खूब सारा जो है ना वो जले का निशान था, जला का बड़ा सा निशान हो गया, स्किन खराब हो गई है। मतलब किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, सर हम गरीब हैं, प्लास्टिक सर्जन बहुत पैसा लेते हैं। मैंने कहा पापा ने कुछ बोला, पापा बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे हाथ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे देख के लगता है मम्मी को अच्छा नहीं लगता होगा। तो मैंने कहा तुम उसके लिए प्लास्टिक सर्जन बनोगे, तो पापा बोला सर पैसे देके तो हम इलाज करा नहीं पाएंगे, तो मैं डॉक्टर बनूंगा अपनी माँ के लिए। किसके लिए, अपनी माँ के लिए, और माँ का मैं हार्ट ठीक करूंगा, इसलिए प्लास्टिक सर्जन बनूंगा। नाउ ही इज द टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया, यंग डायनामिक। अभी अखबार में खबर छपी थी कुछ महीनों पहले कि एक हाथ, किसी का हाथ मशीन से हाथ कट गया, किसी का पूरा हाथ उसने कई घंटों सर्जरी जोड़ दिया, ठीक है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति ने पत्नी के हाथ पे कुल्हाड़ी मार दी, तो ये आधा इतना हिस्सा कट गया, लेके आए जोड़ दिया, फंक्शनल, ही बिकम अ प्लास्टिक वेरी गुड सर्जन, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। अपनी मां का हाथ ठीक कर दिया उसने, और जाने कितनी माओं का हाथ, जाने कितने लोग ऐसे हैं उनको ठीक किया। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। नीट पढ़ूंगा, NCERT पढ़ूंगा, ये क्या है, ये निकालूंगा, ये नीट बस नीट। दादा देखो ड्रीम, देखो बड़ा, देखो देखो उस बच्चे ने क्या सोचा, क्या कर दिखा रहा उसने। सब में उतनी ऊर्जा होती है, चैलेंज करो अपने आप को, अपने लिमिट को फोड़ दोगे बेटा, बता रहा हूं। जिंदगी में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो। ऑल द बेस्ट।